केजरीवाल के प्रभाव के कारण सामने नहीं आ रहे थे गवाह। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा वह सीएम होने के साथ मैग्सेस पुरस्कार धारक आबकारी घोटाले में ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को तथ्यों की कसौटी पर कसते हुए सही करार दिया और मामले में जमानत की मांग के लिए निचली अदालत जाने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। केजरीवाल के जेल से बाहर आने की राह आसान नहीं। ऐसे में केजरीवाल के जेल से बाहर आने की राह आसान नहीं है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले याचिका को अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को सुनियोजित या द्वेषपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। केजरीवाल के प्रभाव के कारण सामने नहीं आ रहे थे गवाह। 48 पन्नों के निर्णय में अदालत ने कहा कि यह सही है कि अरविंद केजरीवाल सामान्य नागरिक न होकर मुख्यमंत्री होने के साथ ही मैग्सेस पुरस्कार के प्रतिष्ठित धारक है और आम आदमी पार्टी के संयोजक है। गवाहों पर अरविंद केजरीवाल के नियंत्रण और प्रभाव से प्रथम दृष्टा पता चलता है कि आबकारी घोटाले के अपराध का लिंक पंजाब से भी है। सीएम पद का सम्मान करते हुए सीबीआई ने बरती सावधानी। पीटी ने कहा कि प्रत्येक अदालत को प्रथम दृष्टा यह सुनिश्चित करना होता है कि गिरफ्तारी और रिमांड की असाधारण शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जाए या पुलिस द्वारा लापरवाही से इसका इस्तेमाल न किया जाए। मामले में अगस्त 2022 में सीबीआई द्वारा प्राथमिकी करने और ज्ञापन मेमो में कोई साक्ष्य या आधार नहीं होने के केजरीवाल के अधिवक्ता की दलील का अदालत ने जवाब दिया। अदालत ने कहा सीबीआई ने बताया कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद का सम्मान करते हुए जांच एजेंसी में सावधानी बरती और अन्य व्यक्तियों से पूछताछ व सबूत जुटाने की कार्यवाही के साथ आगे बढ़ी। जांच एजेंसी ने पर्याप्त सबूत जुटाने के बाद केजरीवाल के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने के लिए मंजूरी मांगी जो 23 अप्रैल 2024 को मिली।